नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। पहली बार अनोखी 11 दिवसीय पंचधुनी तपस्या पर बैठे संत। माना जाता है कि सच्ची निष्ठा, भक्ति एवं तपस्या के आगे कोई भी किसी तरह का भी अहित नहीं कर सकता। ऐसी ही एक अनोखी तपस्या की खबर देवभूमि उत्तराखंड राज्य के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के गाँव पतरामपुर से सामने आ रही है, जहां जसपुर नगर से उत्तर पूर्व की दिशा में करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पावन स्थान नदी पार वाले बाबा जी के नाम से विख्यात 35 साल पुराना स्थान है, जहां जसपुर क्षेत्र में पहली बार अनोखी 11 दिवसीय पंचधुनी तपस्या पर बैठे महामंडलेश्वर योगिंद्रानंद जी महंत की इस कड़ी अनोखी तपस्या को देखने के लिए दिन प्रतिदिन क्षेत्र के श्रद्धालुओं के साथ साथ अन्य जगहों के श्रद्धालु भी पहुँच रहे हैं। ये तपस्या जेठ माह की 17 तारीख 2024 से शुरू हुई और 27 मई 2024 को इसका समापन किया जाएगा। वहीं इस संबंध में श्रद्धालुओं द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि यह इस स्थान पर अनोखी पंचमुखी धूनी तपस्या क्षेत्र में पहली बार की जा रही है। इससे पूर्व में हर साल यहां सिर्फ भंडारे का ही आयोजन हुआ करता था, लेकिन इस बार यहां यह तपस्या के साथ भंडारे का भी आयोजन कल यानी 25 मई 2024 को भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र के सभी श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में पहुंचकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने का आग्रह किया गया है। कैमरामैन हजीना सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा जय गुरु श्री चंद्र भगवान की जय, श्री गुरु नानक देव भगवान की जय। और ये स्थान पतरामपुर के पास में नदी वाले बाबा जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध है। आस पास के जहाँ गाँव में बहुत दूर तक इस स्थान की वो है महिमा बनी हुई है। बड़े लोग यहाँ वीरवार के दिन महाराज जी हमारे गति लगाते हैं यहाँ पे, तो बड़े लोगों के दुख दूर होते हैं। और इसी कारण से हम काफ़ी समय से यहाँ आ रहे हैं, राजस्थान से, संगरिया मंडी से, और यहाँ आकर पहली बार हमने यहाँ तपस्या शुरू करी। और तप का कारण होता है लोगों को तप से शांति मिले। संत आप तपते हैं और दूसरों को शांति देते हैं, यही तप की साधना। कल के दिन हम इसके आयोजन में भंडारा करेंगे, सब साधु संतों को, संगत को भंडारा किया जाएगा और तब चलेगा। 27 तारीख को हम तब की समाप्ति कर देंगे और उसके बाद में हम फिर यहाँ से चले जाएंगे। 27 तारीख को हमने ये तब किया था और आज 24 तारीख हो गई है। और पहले तो मतलब 21 दिन का रखा था, पर अब 11 दिन का हम तब करके यहाँ से चले जाएंगे, फिर वहाँ जाकर साधना करेंगे राम काल लाइन का। मैं रोज समय मतलब 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक ये तपस्या करता हूँ रोज। फिर वो सुबह से चालू हो जाती है तैयारी, पर जो बैठने का समय रहता है जितनी देर तक आग बलती है उतनी देर तक उस रात में बैठ करके भगवान का भजन किया जाता है। पंचधुनी तपस्या होती है, सब पूरे विश्व में विख्यात है पंचधुनी तपस्या। बहुत संत उदासी वैरागी सन्यासी करते हैं, हर जो कोई साधु संत है वो तपस्या करते हैं। तब का प्रभाव होता है, तब से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, तब से विष्णु जी पालना करते हैं, तब से शंकर जी क्या करते हैं, तब का प्रभाव। यहाँ 30-35 साल हो गए हम लोगों को यहाँ पे सेवा करते हैं। गुरु दरबार पर बहुत संतें आती हैं और बहुत लाभ प्राप्त करके जाती हैं, बहुत यहाँ से लाभ मिलता है। वीरवार को भी गद्दी लगाते हैं और 7 संतें आती हैं, लंगर चलते हैं और भंडारा होता है। ये क्षेत्र पतरामपुर है और नदी वाले महाराज जी हैं, तो यहाँ पर हमें सेवा प्राप्त हुई थी, हम यहाँ सेवा करने लगे हैं। ये नंबरिया डेरा है ये। मेरा नाम कश्मीर कौर है। तपोभूमि श्री मिल्क शेप का में यह स्थान है उत्तराखंड में, और यहाँ पर महंत महामंडलेश्वर श्री योगानंद जी 11 दिन की पंचधुनी अग्नि तपस्या कर रहे हैं। और यहाँ समस्त क्षेत्र की जनता का पंचधुनी तपस्या द्वारा महाराज जी सभी की दुख निवारण कर रहे हैं, और जनता को यहाँ पर आने पर बहुत जो उनके दुख हैं वो दूर हो रहे हैं बाबा जी के आशीर्वाद प्राप्त कर। और ये पंचधुनी बाबा जी ने तपस्या 11 दिन की है। यह स्थान नदी पार वाले बाबा जी के नाम से पतरामपुर में प्रसिद्ध। पंचधुनी तपस्या का उद्देश्य है, बाबा जी यहाँ पे 5 धुने बने हुए हैं जिनके चारों तरफ अग्नि जल रही है, और उसमें बाबा जी 1 बजे के टाइम रोज 2 बजे तक 1 घंटा बैठकर पंचधुनी अग्नि तपस्या करते हैं और अपने शरीर का तप कर रहे हैं। और सारी क्षेत्र की जनता यहाँ पर बाबा जी के साथ तप में बैठी हुई है और अपने जीवन को सफल बना रही है बाबा जी की धुनी द्वारा।
कल यहाँ 25 तारीख दिन शनिवार को बाबा नदी पार वाले स्थान जी पर विशाल भंडारा होने जा रहा है और समस्त जनता से मैं कहूँगा क्षेत्रवासियों की अधिक से अधिक संख्या में यहाँ भंडारे में आए और अपने जीवन को सफल बनाए और यहाँ पर हर वीरवार को ये बाबा जी स्थान पर नदी वाले पर बैठते हैं और जो लोगों की समस्याएं होती हैं उनका दुख का निवारण करते हैं। मेरा नाम जगदीश सिंह है, मैं निवासी ग्राम पतरामपुर से हूँ, जिला उधम सिंह नगर रामपुरा नारायणपुरा। बाबा महामंडलेश्वर जुगिंद्रा नंद जी रामपुरा नारायणपुरा तो जो कि 12 साल उन्होंने धूनी तपस्या करते हुए जो कि रामपुरा नारायणपुरा उत्थे धूनी तपस्या करते हैं। इस बार बाबा जी ने इतने सेवा लाई है, सारी संगत बहुत उत्साह है जी, बहुत वधिया सेवादारा ने जिन्हें भी इतों के सेवादार है बहुत वधिया सेवा की है।